कहा जा रहा है कि सरकार संसद के अंदर वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम लेकर के आ रही है, वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए बिल पेश किया जाएगा। अब ये वक्फ बोर्ड के लिए संशोधन लेकर के आ रही है सरकार, तो इसके जरिए क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे और किस तरीके से क्या कुछ जो है वो हंगामा इस पर हो सकता है, इसी पर चर्चा करेंगे। और इसको लेकर के अभी जब ये शुरुआत भी नहीं हुई है इसकी, उससे पहले ही हंगामा एक तरीके से मचता हुआ दिखाई दे रहा है। और कैसे ये हंगामा खड़ा होगा और किस तरीके से इस हंगामे से तस्वीर बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार लेकर के आ रही है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति नहीं बता सकेगा, केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए बिल लाएगी, कैबिनेट की मंजूरी मिली। अब ये जो खबर है, ये खबर अपने आप में संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये खबर संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि इस वक्त में संसद चल रही है, और जब संसद चल रही होती है और संसद के अंदर कोई बिल लेकर के आना है, सरकार कुछ भी एक्टिविटी करना चाहती है, तो पहली सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार संसद के अंदर संसद के सदस्यों को इन्फॉर्म करे, उनको सूचना दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सरकार ने संसद में इसकी सूचना दिए बिना देश में मीडिया के अंदर इस चीज को लीक करा दिया, और अब मीडिया में इसको लेकर के शो बन रहे हैं। अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है कि भैया ये ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, और वक्फ बोर्ड की तो आज मनमानी इतनी है कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन को चाहे उस जमीन को अपना बना ले। लेकिन इसकी क्या प्रक्रिया है मैं आपको बताऊंगा। जो ये भास्कर की हेडलाइन भी मैं आपको दिखा रहा हूं, वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति नहीं बता सकेगा, ये पहली है हेडलाइन आपको दिख रही है यहां पर, यही अपने आप में बहुत सारे सवाल जो है खड़े कर रही। हालांकि इसकी पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही कोई जमीन वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जमीन उठ करके आप उसको बोर्ड के अंदर ले लेंगे, वक्फ के अंदर उसको जमीन को ले लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब देखिए, नैरेटिव पेश ऐसा कर दिया गया, समाज के अंदर एक ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि भैया बस इतनी जो है वो मनमानी है, इतनी तानाशाही है इनकी कि जिस भी जमीन को चाहेंगे तो उस जमीन को अपने पास में ले लें। और एक नैरेटिव ये भी कहा जाता है कि देश के अंदर रेलवे, सेना और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसके बाद में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास में है। लेकिन इसकी हकीकत से कितना जो है दूर आप लोगों को रखा जा रहा है, और इसको लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर के बदलाव हो सकते हैं, ये बदलाव सरकार कर सकती है। किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी हो जाएगा। हालांकि अभी भी एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सरकार क्या क्या बदलाव इसमें कर रही है पहले वो सुन लीजिए। वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन बोर्ड की संरचना में बदलाव की संभावना है, मतलब दोबारा से ये वक्फ बोर्ड का गठन जो है वो होने की संभावना है। ये 1949 के अंदर और उसके बाद में इसमें संशोधन किया गया 1996 में, लेकिन अब मुमकिन ये बताया जा रहा है कि सरकार इसको पूरी तरीके से जो है वो संशोधित करके, और ये पूरा जो बोर्ड है इस बोर्ड को नए सिरे से इसको डिजाइन करे, मतलब इसके नियम कायदे दोबारा से नए सिरे से दिखाए जाए। अब तीसरा बड़ा जो है इसको लेकर के फैसला क्या हो सकता है, वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव करके केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जा सकेगा। चौथा इसमें बताया जा रहा है कि बिल में राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित जमीनों को नए सिरे से सत्यापन कराने का प्रस्ताव भी है। और पांचवा, दुरुपयोग रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल किया जा सकता है। तो ये पांच बड़े बदलाव हैं जो सरकार करना चाहती है।
अब थोड़ा सा तसल्ली से मैं आपको जरा समझाता हूं कि प्रक्रिया क्या है। ऐसा जो है वो पेश किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि भैया बहुत जबरदस्त मनमानी चल रही है ये वक्फ बोर्ड वालों की, जिस जमीन को चाहते हैं उस जमीन को उठा करके अपने पास में ले लेते हैं। लेकिन एक बार प्रक्रिया पहले समझ लीजिए, एक बार ये बदलाव देखते रहिए आप, यही थोड़ा स्क्रीन पर रखिए अभी, और अभी क्या जो है वो प्रोसीजर है वो मैं आपको समझा देता हूं। अभी प्रोसीजर ये है कि एक सर्वे कमिश्नर जो है वो आता है, जैसे कोई जमीन है, कोई मस्जिद की जमीन है या कोई और जो है वो जमीन है, उस जमीन पर पहले सर्वे कमिश्नर आता है। सर्वे कमिश्नर को अपॉइंटमेंट कौन करता है? उस सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट, और वो सर्वे कमिश्नर आकर के पहले प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करता है कि ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को क्या वक्फ के अंदर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई बुराड़ी का मैदान खाली पड़ा हुआ है और उस मैदान को वक्फ बोर्ड के अंदर आप ले लो। दिखाने और बताने में तो बस ऐसे ही चल रहा है कि जिस भी संपत्ति को चाहेगा वक्फ बोर्ड अपने पास में ले लेगा, परसेप्शन ये खड़ा किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस भी संपत्ति को चाहे उसी संपत्ति को जो है वो अपने अंदर में ले लेगा। सर्वे कमिश्नर आएगा, उसके पास में पावर होती है, वो पहले प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंदर शामिल की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, और उसके बाद में वो प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के बाद में उस प्रॉपर्टी की लिस्ट या उस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी वो स्टेट गवर्नमेंट को भेज देता है, और स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर गैजेट नोटिफिकेशन निकालती है कि हाँ इस प्रॉपर्टी को वक्फ के अंदर जो है वो ले जाया जा रहा है। और गैजेट नोटिफिकेशन निकालने के एक साल तक एक टाइम पीरियड रहता है, फिर भी एक साल तक अगर कोई उस जमीन को लेकर के चैलेंज नहीं करता है तब जाकर के वो जमीन वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। समझे आप, ये प्रक्रिया है। अगर किसी ने चैलेंज कर दिया तो फिर वो जमीन वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं जाएगी। ये प्रक्रिया है अभी, और इसको लेकर के जो कुछ पार्टियों की तरफ से एतराज जताया गया है, जिसमें राशिद अलवी है उनकी तरफ से एतराज जताया गया है, सुद्दीन ओवैसी है उनकी तरफ से एतराज जताया गया है, तो कुल मिलाकर के ये जो नैरेटिव पेश किया जा रहा है और लोगों को एक खुश करने की कोशिश हो रही है कि देखिए भैया ये एक तरीके से वक्फ के नाम पर मुसलमान जो है वो पूरा नैरेटिव वही है चूड़ी टाइट करने वाला, कि मुसलमान जिस भी प्रॉपर्टी को चाहते हैं वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंदर दिलवा देते हैं। ऐसा नहीं है, पहले प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी वो सर्वे कमिश्नर आकर के देखता है, फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजता है, स्टेट गवर्नमेंट वही उसको जो है वो नॉमिनेट करती है, और फिर उसके बाद में गैजेट नोटिफिकेशन होती है, फिर एक साल तक इंतजार किया जाता है कि इस जमीन का कोई मालिक है, कोई वाली वारिस है, या ये जमीन किसी की नहीं है और इसको जो है वो वक्फ बोर्ड के अंदर दे दिया जाना चाहिए। अगर कोई उस पर विवाद नहीं होता तब जाकर के वो जमीन वक्फ बोर्ड के पास आती है। खैर, आपको कल जितना भी आपको बहस सुनने को मिलेगी उस बहस में इतनी आसानी से और इतनी आसान भाषा में आपको कोई समझाने वाला नहीं, लेकिन अब इसको लेकर के बवाल हो रहा है, हंगामा हो रहा है, और हंगामा जो है वो ये है कि 40 के करीब संशोधन कर सकती है, 5 संशोधन तो बड़े संशोधन मैंने आपको बताए हैं जो सरकार करना चाह रही है। सरकार मतलब अब ये कह रही है कि हम वेरिफिकेशन करवाएंगे। अब वेरिफिकेशन के पीछे जो है वो जो मंशा बताई जा रही है वो ये कि इसकी तरफ ओवैसी ने इसको लेकर के एतराज जताया है, और ओवैसी ने कहा है कि अगर वक्फ एक्ट के संशोधन को लेकर के मीडिया में अभी जो कुछ कहा जा रहा है उससे पता चलता है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्रता उसको छीनना चाहती है, उसमें दखल देना चाहती है, यह धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ है। और इसके बाद में उन्होंने दूसरी बड़ी बात कही कि भाजपा हमेशा से इस बोर्ड और वक्फ की संपत्तियों के खिलाफ रही है, उनका हिंदुत्व का एजेंडा है, और अगर आप वक्फ बोर्ड की संरचना और स्थापना में बदलाव करना चाहते हैं तो इसके लिए इस पर प्रशासनिक स्तर पर अव्यवस्था होगी,
वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी। अगर सरकार वक्फ बोर्ड पर अपना कंट्रोल बढ़ाती है तो वक्फ की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। कुल मिलाकर के ओवैसी ये बात कह रहे हैं कि भैया आप अभी जो काम वक्फ बोर्ड कर रहा है उस काम को बीजेपी आरएसएस अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अभी जिस आजादी के साथ में वक्फ बोर्ड जो है काम कर रहा है, बीजेपी आरएसएस चाहती, वो काम हम करें। वो सर्वे करने का काम, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने का काम, प्रॉपर्टी के ऊपर गैजेट नोटिफिकेशन निकालने का काम, वो सारा काम हम करें। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अगर कोई विवादित संपत्ति है तो लोग कहेंगे कि वह विवादित है, हम उसका सर्वे कराएंगे और यह सर्वे भाजपा के मुख्यमंत्री करेंगे और आप जानते हैं कि इसके नतीजे क्या होंगे। इस देश में कई जगह पर ऐसी दरगाह है जिन्हें लेकर के बीजेपी आरएसएस के लोग दावा करते हैं, यह दरगाह और मजार नहीं है। इस फैसले से न्यायपालिका की शक्ति छीनने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर के ओवैसी की तरफ से बातें कही गई है। अब ओवैसी ने इस पर क्या कुछ कहा है, एक बार सुनते हैं। क्या कैसा क्या हल हो जाएंगे? क्या क्या हल? देखिए उसमें आप मीडिया रिपोर्ट पढ़े, उसमें जो डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी में उसका सर्वे कराएंगे। आप कौन होते भाई? सर डिस्प्यूट है तो जुडिशियरी डिसाइड करेगा। आप कौन होते करने वाले उसको? आप होते कौन? आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डिस्प्यूट के नाम पे इंक्वायरी कराएंगे, वो तो जुडिशियरी करना चाहिए। मकसद एक ही है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मुसलमानों से छीन लिया जाए। ये इनका जो शुरू से आरएसएस कोशिश कर रही है, इनका आरएसएस बोलती आ रही 70 साल से, बीजेपी उससे पहले जनसंघ बोलती आ रही है। तो ये तो डायरेक्ट सोचना पड़ेगा, ये जो अलाइज है बीजेपी के, क्या वो मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टीज़ को छीनना चाहेंगे? जो पोलिटिकल पार्टीज़ बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, इनको सोचना चाहिए क्या होगा बिहार में? इमारत शरिया की जो जायदादें छीन लेंगे क्या आप? आंध्र प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, छीन लेंगे क्या आप उन लोगों को? ये तो उनको सोचना चाहिए, लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। तो ओवैसी कह रहे हैं कि कुल मिलाकर के ये है कि एक नया आप फसाद खड़ा करना चाह रहे हैं। और इसको एक दूसरे नजरिए से देखने की यह भी आवश्यकता है कि अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब चल नहीं पा रही थी, हिंदू मुस्लिम का टॉपिक चल नहीं पा रहा, और कुछ ऐसा चाहिए जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अंदर एक नया तड़का लगा सके। और अब लोगों को यह कहा जाएगा, बताया जाएगा कि भैया देखो देश में सारे काम इस वक्फ बोर्ड की वजह से रुके हुए हैं इतने, और आपको टीवी पर बड़ी बड़ी खबरें दिखाई जाएंगी कि सेना के पास में इतने 1000 करोड़ रुपए की जमीन है, और उसके बाद में रेलवे के पास में इतने 1000 करोड़ की जमीन है, और वक्फ बोर्ड के पास में इतने 1000 करोड़ की जमीन है। आपको ऐसे दिखाया बताया जाएगा कि अब देश में सारे काम पूरे हो चुके हैं, बस एक काम ये रहे और पूरा हो जाए तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी भी देश में ये है कि अगर कोई किसी प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद जताता है तो उस पर अभी भी जो है वो कुछ प्रॉपर्टी है, दो इसमें उदाहरण पेश किए जा रहे हैं, एक तमिलनाडु का उदाहरण पेश किया जा रहा है और एक दिल्ली का उदाहरण पेश किया जा रहा है। तो अभी भी ऐसा नहीं कि इसको लेकर के विवाद होता है तो उसका कोई विवाद का हल नहीं है और सीधा सरकार अपनी मनमानी कर या ये वक्फ बोर्ड जो अपनी मनमानी कर लेता है, ऐसा नहीं। राशिद अलवी, कांग्रेस के नेता राशिद अलवी, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है, और राशिद अलवी की तरफ से जो है वो कहा गया है कि हकीकत ये है कि मुसलमानों ने जो संपत्ति दान की है वही वक्फ की संपत्ति है, सरकार और सेना ने वक्फ की संपत्ति पर पहले से ही कब्जा कर रखा है, सरकार उसे मुक्त कराने की बजाय नया कानून लेकर के आ रही है, सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को हस्तक्षेप करना चाहिए, संशोधन रोकना चाहिए। राशिद अलवी की तरफ से बात कही गई। तो कुल मिलाकर के अब ये है कि इस वक्फ बोर्ड वाली संपत्ति के मामले पर चंद्रबाबू नायडू क्या करें, नीतीश कुमार क्या करें, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर इस फैसले पर सरकार के साथ में जाएंगे तो स्टेट में जनता उनका क्या करेगी? स्टेट में क्या जनता इसके खिलाफ नहीं जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, और
चंद्रबाबू नायडू का भी बहुत बड़ा वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक। अब कैसे जो है उसके खिलाफ जाकर के यहां पर केंद्र सरकार का साथ देंगे, और इसमें क्या फिर हंगामा और नहीं बढ़ेगा, सवाल इस बात को भी लेकर के है। राशिद अलवी क्या कह रहे हैं एक बार सुनते हैं। सरकार वक्फ के मामले में जो कानून लाना चाहती है उसकी नीयत ठीक नहीं है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अटल जी के सरकार के जमाने में बनी थी, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कानून बनाया गया था, और ये वक्फ की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मुसलमानों की है जिन्होंने डेडिकेट की है खुदा के नाम पे, अल्लाह के नाम पर, और इसकी ज्यादा बड़ी तादाद सरकार ने पहले ही हड़प कर रखी है, आर्मी के कब्जे में है। बजाय उसको रिलीज कराने के नया कानून लाया जा रहा है। मेरा कहना है नीतीश कुमार जी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी को इंटरवीन करना चाहिए और इस कानून को रोकना चाहिए। तो यानी अब समस्या सरकार के लिए भी आएगी, और बड़ी बात यह भी है, देखिए मीडिया में यह खबर जरूर आई है, सरकार ने अभी तक इस पर पुष्टि नहीं की है। अब सवाल यह है कि क्या ये करंट चेक करने की कोशिश हो रही है, कि अगर आज जो है इस चीज को लेकर के पहले सरकार ने जो है वो सफुगा छोड़ दिया, अब इस पर कितना हंगामा खड़ा होता है, कितना जो है वो इसको लेकर के करंट आता है, कितना इसका विरोध होता है, नीतीश कुमार क्या कहते हैं, चंद्रबाबू नायडू क्या कहते हैं। अगर उधर से कोई रिएक्शन आता है तो ठीक है, और अगर रिएक्शन नहीं आता है तो फिर इसको डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन बात इतनी भर नहीं है, बात ये निकल करके सामने आ रही है कि सरकार ने इसको कैबिनेट के अंदर, अभी जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उस कैबिनेट में इसको, इस बिल को मंजूरी दे दी। देखिए पहले कोई भी सरकार की जब बैठक होती है, कैबिनेट बैठक होती है सरकार की, तो उस कैबिनेट बैठक के अंदर मुद्दे रखे जाते हैं कि हम संसद में कौन कौन सा जो बिल लेकर के आना चाहते हैं। वो कॉन्फिडेंशियल होता है जब तक वो संसद के अंदर ना रखा जाए, लेकिन उसको लेकर के ये होता है कि सरकार जो है वो विपक्ष के नेताओं को जरूर उसमें अपने साथ में लेती है। सर्वदलीय बैठक में भी मुद्दे उठाए जाते हैं कि हम इन इन चीजों पर विचार कर रहे हैं, आप लोग भी सहयोग करिएगा, कुछ इस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश होती है। लेकिन वो सब चीजें यहां पर होती हुई नजर नहीं आ रही। अब जरा थोड़ा सा देख लीजिए आप वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है, ये थोड़ा समझ लीजिए कि कैसे जो है वो वक्फ बोर्ड के अंदर संपत्ति आती है। तो वक्फ बोर्ड काम करता है, कोई भी व्यक्ति जब अल्लाह के नाम पर या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति या पैसा दान करता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी ने अल्लाह के नाम पर अपना घर परिवार, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म में भी है जिनका बच्चे नहीं है या बच्चे हैं लेकिन नाराजगी है उनसे, तो वो चाहते हैं कि हम अपनी जमीन को फला गौशाला में दान कर दें, फला जो है वो वृद्ध आश्रम के अंदर दान कर दें, वो जमीन उनके पास में चली जाती ऐसे ही, और वो फिर गौशाला के लिए प्रयोग करेंगे या फिर जो है वो आपका वृद्ध आश्रम के लिए प्रयोग करें, जिसको वो पर्टिकुलर जमीन देते हैं उसके नाम पर वो जमीन चली जाती है। कोई भी व्यक्ति, मुस्लिम धर्म में भी कोई व्यक्ति अगर करना चाहे ऐसे तो कर सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर संपत्ति ऐसे आती है कि कोई आदमी अगर अल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर अपनी जमीन को, या मान लीजिए कि कोई पैसे वाला है, रईस है, वो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए दान करता है, डोनेट करता है, तो जाहिर सी बात है अल्लाह तो जो कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि भाई उसको आप डायरेक्ट जा करके दे आएंगे, तो वो पैसा वक्फ बोर्ड के पास चला जाता है और उस पैसे का देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को शरिया के नियम के तहत उसको इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को शिक्षा के अंदर, अब ये कहां कहां पर खर्चा होता है, जो मान लीजिए कि आपने अपनी संपत्ति दे दी और उस संपत्ति पर जो भी कमाई हो रही है, आपका घर आपने दिया, आपने प्लॉट दिया, आपकी जमीन दी, आपने डायरेक्ट पैसे दिए, तो उससे जो भी कमाई होगी उस कमाई को शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य को लेकर के, आपदा के समय पर, गरीब कल्याण जैसी जनहित के कार्यों पर उसको खर्च किया जाता है। देश में अभी कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ की 8.7 लाख संपत्तियां हैं और 9.4 लाख एकड़ जमीन फैली हुई, तो एक बड़ी संख्या में
वक्फ बोर्ड के पास में पैसा भी है, जमीन भी है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सरकार की नजर अब कुल मिलाकर के इसी पर है कि इसको किसी न किसी तरीके से सरकारी अपने खेमे में जो है ले लिया जाए। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, केवल अभी की बात नहीं है, सरकार बहुत बार उसके ऊपर आरोप ये लगते हैं कि सरकार ने एक पैरेलल कैबिनेट चलाई हुई है, और उस पैरेलल कैबिनेट का काम क्या है, उस पैरेलल कैबिनेट का काम यह है कि देश में देखिए कि कहां कहां से पैसा निकल सकता है, जहां से पैसा निकल सकता है वहां से पैसा निकाला जाएगा। मतलब एक तरीके से हम ये कहें कि सरकार ने अपने मंत्रियों का एक समूह केवल इस बात के लिए, या अपने कुछ लोगों का समूह केवल इस बात के लिए छोड़ा हुआ है कि आप देखते रहिए, देश भर में सर्वे करते रहिए, ढूंढते रहिए किस मंत्रालय से या किस एयरपोर्ट को प्राइवेट करके या किस जो है वो रेलवे स्टेशन को प्राइवेट करके, किस संपत्ति को प्राइवेट करके हम कहां से पैसा कमा सकते हैं, जहां से पैसा कमा सकते हैं हम वहां से पैसा कमाएंगे। और इसीलिए पूरी जद्दोजहद हो रही, और इसके लिए अब सरकार कुल मिलाकर के ये बिल लेकर के आई कि वक्फ बोर्ड के पास में करीब करीब 8 लाख संपत्तियां हैं, 8 लाख संपत्तियां। तो सोचिए कि एक एक संपत्ति की अलग अलग कीमत हो, और जमीन जो है 9 लाख एकड़ जमीन है, 9 लाख एकड़ जमीन। पैसे का अंदाजा ही नहीं कि कितना पैसा जो बनेगा उसका, कभी ऐसा कोई उसकी उसको लेकर के सर्वे नहीं किया गया है कि इतनी जमीन को अगर बेच दिया जाए तो कितना पैसा आएगा, या इतनी संपत्तियों को बेच दिया जाए तो कितना पैसा आएगा। संपत्तियों में दरगाह है, मस्जिदें हैं या और दूसरे जगह है, और जमीन जो खाली पड़ी हुई जमीन है वो भी है। तो इन जमीनों को या इनको सबको बेच दें तो सरकार कितना बड़ा मुनाफा कमाएगी, इसका अंदाजा तो खैर नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से सरकार की निगाह इस पर है, ये बात तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि सरकार इसको लेकर के पूरी तरीके से अड़ी हुई दिखाई दे रही है, और इसको जरा सा भी सरकार जो है वो अब छोड़ने के मूड में नहीं है। एक परसेप्शन की लड़ाई में भी सरकार आगे आ जाएगी कि देखिए भाई ये वक्फ बोर्ड वाले तो कुल मिलाकर के ऐसे ही जो संपत्ति को ऐठ लेते हैं, ऐसी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब सरकार जिस तरीके से ये बिल लेकर के आ रही है, इसमें मंशा ये दिख रही है कि किसी न किसी तरीके से इसको लाया जाए। अब ये जाहिर सी बात है इस पर विवाद होगा, नीतीश कुमार के लोग जो है इस पर विवाद करेंगे, चंद्रबाबू नायडू के लोग इस पर विवाद करेंगे, उनके सांसद विवाद करेंगे, वो हो सकता है कि अपने हाथ पीछे खींच ले। लेकिन सरकार एक तरीके से इस गेंद को निकाल करके पब्लिक के बीच में फेंक देगी और कहेगी देखिए हमारी मंशा तो ये थी, लेकिन तुमने मोदी को कमजोर कर दिया, तुमने मोदी को उतनी सीटें नहीं दी जितनी सीटें चाहिए थी हमें, पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार होती तो हम इस फैसले को अपने आप कर देते। लेकिन ये फैसला जब 2014 से लेकर के 2024 तक मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी तब क्यों नहीं किया गया, क्योंकि सरकार को पता है इसकी पेचीदगियां क्या है और किस तरीके से इस फैसले के अंदर क्या क्या जो है वो समस्याएं आएंगी। और अब सरकार इसको इसलिए लेकर के आई है कि इसको लाया भी जाएगा, ये पास नहीं भी होगा, और उसके बाद में अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इसको लेकर के विरोध जताएंगे तो इसको ठंडे बस्ते में डाल भी दिया जाएगा। जैसे राशिद अलवी अभी बता रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर भी ये प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर भी सरकार ने इसको लेकर के जेपीसी बनाई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई कि इसको जो है वो देखे कि इसमें क्या क्या संशोधित हो सकता है, कहां कहां पर कमियां हैं, कहां कहां पर खामियां हैं, इसको चेक करे और उसके बाद में फिर इस पर आगे काम किया जाएगा। लेकिन वो फिर जो की त्यों रह गई। अब ऐसा लग रहा है कि सरकार की फिर से वही मंशा है कि हम अपने वोटर के सामने, हम अपने लोगों के सामने ये जता भी दे कि हम तो बहुत कुछ करना चाहते थे, हम तो चूड़ी टाइट करना चाहते थे, हम तो लाखों करोड़ों रुपए की इनकी संपत्ति इनके पास में है, उस संपत्ति को अपने पास में लाना भी चाह रहे थे, सरकारी जो है वो पैसा खजाने के अंदर लेकर के आना चाह रहे थे उसको, लेकिन
आप लोगों की वजह से मोदी को आपने कमजोर कर दिया। एक विक्टिम कार्ड भी हर इस चीज इससे आप देखिए कि हर तरीके से जो है वो सरकार की मंशा पूरी होती हुई नजर आ रही। मतलब बात कह भी दी, बात मानी भी नहीं गई, तो भी बात फायदे में रही, और कुल मिलाकर के यही कहानी जो है वो आपको घूमती हुई नजर आई। और एक बार फिर से हिंदू मुसलमान का मुद्दा जो है वो हवा में आ जाएगा। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ की सरकार वहां पर लव जिहाद के कानून को लेकर के कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार यहां पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर के कर रही है। यानी एक तरीके से होड़ मची हुई है कि कौन अपने आप को कितना बड़ा हिंदू दिखाएगा, कौन अपने आप को ये बताएगा कि नहीं हम हिंदुओं की लड़ाई हम ज्यादा लड़ रहे हैं, वो कम लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार कैसे अपने आप को जो है वो बचाएगी, ये बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से इसमें अब गेम फंस गई है, बाजी इसमें फंस गई है, तो ऐसे में सरकार कैसे जो है वो अपने आप को बाहर निकालेगी, ये बड़ा सवाल है। आप लोग बताइए कि क्या वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसको लिया जाना चाहिए, सरकार के अंडर में जो है उसको लिया जाना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से इसको लेकर के सवाल खड़े हुए हैं, तो ऐसे में ओवैसी ने इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो एक बार आपको सुनवाते हैं। ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सुनिए। ओवैसी इसको लेकर के कह रहे हैं कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, नीयत सरकार की जो है वो ठीक नहीं है, और बीजेपी आरएसएस की नीयत ये है कि इस पूरे वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसको कब्जा कर लिया जाए, उसको पूरा का पूरा जो है वो कब्जा कर लिया जाए। और ऐसे में जहां पर विवादित वाली बात भी रहेगी तो वहां पर बीजेपी के ही मुख्यमंत्री रहेंगे, और बीजेपी के ही मुख्यमंत्री जो है वो इसमें फैसला करेंगे। और अब सोचिए कि मैंने जैसे बताया आपको प्रक्रिया के बारे में कि कमिश्नर आता है, सर्वे कमिश्नर, और वो सर्वे कमिश्नर असम के अंदर असम सरकार के अधीन काम करता है, यूपी के अंदर योगी सरकार के अधीन काम करता है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार के अधीन काम करता है, गुजरात में गुजरात सरकार के अधीन काम करता है। वो ऐसा तो है नहीं कि किसी मुस्लिम कंट्री के कहने पर ऐसा काम कर रहा है या किसी मुस्लिम नेता के कहने पर ऐसा काम कर रहा है, वो तो सरकार के कहने पर काम कर रहा है। लेकिन अब इसको लेकर के जिस तरीके से माहौल पूरा तैयार किया जा रहा है, इसको लेकर के जो माहौल इस वक्त में बनाने की कोशिश हो रही है, तो आप याद रखिए कि कल से आपका जो नीट का मुद्दा या फिर आरक्षण का मुद्दा, बड़ा मुद्दा एक आरक्षण का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस पर सरकार एक तरीके से घिरी हुई है। सब लोग ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है वो आरक्षण के मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसला ले, तो उसको लेकर के अब सरकार कहीं ना कहीं जो है वो ये गेंद वहां से निकाल करके अब दूसरे खेमे में गेंद डालना चाह रही है। और जिसको अब सरकार ये लग रहा है कि सारे मुद्दों की एक दवाई वक्फ बोर्ड पर खत्म करो, सारे मुद्दों की बस यही दवाई है, और सारे काम हो चुके हैं, बस एक काम ये बचा हुआ है, इस काम को पूरा कर देंगे तो फिर सारे काम खत्म। लेकिन जिस तरीके से इसको लेकर के अभी से विरोध के स्वर आने लगे हैं, इसको लेकर के विरोध की आवाजें उठने लगी है, तो कल जब ये संसद के अंदर रखा जाएगा तो कल सुबह इस पर किस तरीके से हंगामा होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से अभी असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको जरा सुनवाते हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ओवैसी ने कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर अगर सरकार कोई बिल लेकर के आ रही है तो सबसे पहले पार्लियामेंट के सदस्यों को इसको इन्फॉर्म करना चाहिए था, हमें मीडिया के जरिए क्यों इस चीज का पता चल रहा है, ये तो सीधे सीधे संसद की गरिमा के खिलाफ है। और सरकार ऐसा ही हर बार करती रही है, जब भी उसको कोई भी काम करना होता है तो वो पहले मीडिया के अंदर उस चीज को छेड़ देती है। हाँ ये जरूर है कि 5 अगस्त 2019 को जब सरकार पूर्ण बहुमत की बनकर के आई थी तो उस वक्त में 370 को हटाया गया, तब सरकार ने पूरी तरीके से इसको लेकर के चुप्पी साध करके रखी थी, और सरकार ने इसको लेकर के चुप्पी साध करके रखी थी। लेकिन अब इस मामले को लेकर के अब सरकार जो है वो ओपन होकर के आ रही है।
अब असदुद्दीन ओवैसी इसको लेकर के क्या कह रहे हैं, ओवैसी की तरफ से इसको लेकर के क्या कहा गया है, जरा एक बार वो सुनते हैं। करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है, और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है। तीसरी बात यह है कि अब जो मीडिया के रिपोर्ट्स के ऊपर मैं अपना ये रिएक्शन दे रहा हूं कि एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया तो हमेशा वक्फ रहता है। तो वक्फ एक्ट जो है 54 का है और 96 का है, जो 96 के एक्ट को 2013 में अमेंड किया गया, वो सर्वे कमिश्नर को पावर देता है और सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट। तो सर्वे कमिश्नर वक्फ प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करता, उसके बाद लिस्ट ऑफ वक्फ प्रिपेयर होती है सर्वे कमिश्नर की तरफ से, और वो सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटी है उसको स्टेट गवर्नमेंट को भिजाता, और स्टेट गवर्नमेंट गजीट नोटिफिकेशन इशू करती है। तो गजीट नोटिफिकेशन खुद एक ऑफिशियल एक्ट है, और अगर गजीट नोटिफिकेशन एक साल तक चैलेंज नहीं होती तो वो फाइनल हो जाती है और नेचर ऑफ वक्फ हो जाता है। ये इसको ये लोग चेंज करना चाहते हैं, यानी जो पहले से वक्फ हो चुकी हैं प्रॉपर्टीज, अब दोबारा उनको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये वक्फ है, ये इम्पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात यह है कि गजीट का जो कंक्लूसिव नेचर है उसको आप डाइल्यूट करना चाह रहे हैं, माने अब कई लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज में इंक्रोचर्स है, इलीगल तरीके से वहां पर है, तो इनको एक मौका मिल जाएगा कि वक्फ प्रॉपर्टीज को बोलेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी प्राइवेट वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, और कोई भी प्रॉपर्टी में ये झगड़े होते कहीं ना कहीं तो उसको एक इंक्रोचर्स को एक मौका मिल जाएगा। तीसरा, न्यूज रिपोर्ट ये बोलता है कि अमेंडमेंट इन एस्टैब्लिशमेंट और कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड, तो ये एक्ट खुद ये बोलता है कि हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होना चाहिए और बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होगा उसके एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए। अब अगर आप अमेंडमेंट करेंगे एस्टैब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड में तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस होगा, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी वक्फ बोर्ड का होगा, और ये गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड के ऊपर, गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ेगा तो वक्फ के इंडिपेंडेंस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चौथी बात उसमें यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल्स है, अब ये जो मीडिया रिपोर्ट ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट इन ट्राइब्यूनल्स को डाइल्यूट करना चाहती है, अब ये ट्राइब्यूनल्स के पावर्स को डाइल्यूट कर देंगे तो फिर ये केसेस का क्या होगा, इनएफेक्टिव इन्फोर्समेंट होगा। पांचवी बात जो मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर मैं बोल रहा हूं आपको, इसमें लिखा गया कि अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का ये लोग बोलेंगे नहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है इसका सर्वे हम कराएंगे, अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो उसका फैसला जुडिशरी करती, यहां पर मोदी हुकूमत डिस्प्यूट क्रिएट करेगी उसका सर्वे कराएंगे। अब सर्वे एग्जीक्यूटिव कराएगा या सीएम कराएगा या बीजेपी पावर बीजेपी कराएगी, अब जाहिर नतीजा क्या निकलेगा आपको मालूम है। तो ये भी एक तरीका है उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज को डिस्प्यूट बनाना, पहले फिर सर्वे कराना उसका, सर्वे में रिपोर्ट लिख देना कि नहीं ये वक्फ नहीं है। ऐसे कई मस्जिद दरगाहें हैं हमारे भारत में जहां पर बीजेपी आरएसएस ये क्लेम करती है कि वो दरगाह और मस्जिद नहीं है, तो जो पावर जुडिशरी का है वो एग्जीक्यूटिव छीनना चाह रहा उसको। और ओवैसी यहां पर कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस की नियत ही पहले से वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही और वो चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए।
और इसीलिए सरकार अब ये फैसला लेकर के आ रही है। और ये वक्फ बोर्ड की जो ऑटोनॉमी है, स्वतंत्रता है, उसको छीनने का काम कर रही है, जो सीधे तौर पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। तो कल से किस तरीके का हंगामा मचेगा और इस हंगामे के बीच में आपके मुद्दों पर कितनी चर्चा होगी। एक ऐसा मुद्दा जो नया उठा करके पब्लिक के सामने पेश किया जा रहा है। अब मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड के पास में अगर ये जो क्या तो रहता है तो आपके घर में क्या आएगा, और अगर ये वक्फ बोर्ड सरकार के पास में चला जाता है तो आपके पास में क्या आएगा। ये जरूर है कि सरकार ने अगर ये वक्फ बोर्ड का फैसला या इसका संशोधन जो है वो अपने हक में ले लिया तो सरकार की तरीके से ये कहें कि जो मनसा है वो फिर और ज्यादा मुखर तरीके से सामने आएगी, क्योंकि फिर सरकार इसको लेकर के ऐसे पेश करेगी कि भैया हम जो है वो इस मामले पर अब कुछ भी कर सकते हैं, हिंदुत्व के मामले पर कुछ भी कर सकते हैं। एक तरीके से सरकार जो है वो इस चीज को पेश कर दे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उनको ये है कि हमने 59,000 करोड़ रुपए बिहार में दे दिया, कुछ 11,000-12,000 करोड़ रुपए हमने चंद्रबाबू नायडू को दे दिया और अब वो बैठे रहेंगे शांत और हमें जो करना है हम वो करेंगे। एक तरीके से ये मैसेज दे दिया जाएगा। और बीजेपी ये भी कोशिश कर रही है कि 4 राज्यों में चुनाव है और 4 राज्यों में चुनाव के लिए बीजेपी के पास जाने के लिए कुछ नहीं है, माहौल तैयार नहीं है, माहौल गर्म भी नहीं हो पा रहा। गर्म का मतलब आप समझते हैं ना, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो लोकसभा चुनाव के अंदर पहले चरण का मतदान चला गया, दूसरे चरण का मतदान चला गया, और पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान में पूरी तरीके से मामला ठंडा रहा, और फिर उसके बाद में मोदी जी ने बयान देने शुरू किए, ये मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, कांग्रेस आएगी तो आपकी भैंस चोरी कर ले जाएगी, आपकी टोटी खोल करके मुसलमानों को दे देगी, इस तरीके की बातें उसके बाद मोदी ने शुरू की कि चुनाव को गरमाया जाए, माहौल को गरमाया जाए, वरना वाकई 140 सीट आएंगी। ये कोशिश की गई कि जो बीजेपी का वोटर है वो निकल करके नहीं आ रहा है, ये बातें जो है वो निकल करके आ रही थी, और फिर उसके बाद में मोदी जी ने वो बयान देने शुरू किए। हालांकि फिर भी बहुत ज्यादा कोई असर पड़ा नहीं, लेकिन बीजेपी के पास में और दूसरी कोई बोल है भी नहीं जिसको वो खेलें, जिस बोल को डालें, और दूसरा कुछ है भी नहीं उनके पास। एक ही जो है वो बीजेपी के पास में दाव है, एक ही तरीका है बीजेपी के पास में, हिंदू मुस्लिम के टॉपिक को किसी न किसी तरीके से नए पैकेज करके, उसका पूरा तरीके से नया जो है वो पैकेजिंग करके और उसको लोगों के सामने पेश करें। और अब ये वक्फ बोर्ड के नाम पर ये बहुत पहले से इसको लेकर के भूमिका तैयार करने की जरूरत नहीं है। RSS की शाखाओं में और दूसरे जगह पर लगातार इसको लेकर के चर्चाएं होती रहती, और सरकार का हमेशा से ही रवैया ये रहा है कि कोई भी चीज करो अचानक से ला करके डाल दो और फिर उसके बाद में उस पर जो है वो बवाल हंगामा फिर मचता रहेगा, होने दीजिए, होता रहेगा, फिर बाद में देख लेंगे। तो सरकार की कुल मिलाकर की यही मनसा हमेशा से रही है, और अब जिस तरीके से सरकार इस मुद्दे पर घिरी हुई नजर आ रही है, आप सोच करके देखिए कि सरकार के पास में और दूसरा ऐसा कौन सा मुद्दा है। अगर इस पर चर्चा नहीं होगी तो कल संसद के अंदर आरक्षण का मुद्दा गूंजेगा, और एक तरीके से यही जो है वो लोगों को, सांसदों को बांटने वाली बात है कि जो आरक्षण पर बोलते वो वक्फ बोर्ड पर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, और जो वक्फ बोर्ड पर बोलेंगे वो आरक्षण पर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो यही कुल मिलाकर के जो स्थिति हो जाएगी। कल चर्चा जो है वो होती आरक्षण को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर के फैसला दिया है और इसमें आप जो है इसको संशोधित करिए, और संशोधित करके इसको क्रिमिलेयर का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको खत्म करिए, जो कि तो जो व्यवस्था है उसको बना करके रखिए, उसको बहाल करिए, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले खिलाफ सरकार अपना अध्यादेश लेकर के आए, और अध्यादेश भी अब तो जो है वो लाने की जरूरत नहीं जब संसद चल रहा है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो अभी होना था लेकिन उसके उलट
एक नया मुद्दा तैयार कर दिया गया है, एक नया मुद्दा कल से आप लोगों के सामने होगा और उस मुद्दे पर बड़े बड़े एंकर आपको बड़े बड़े आंकड़ों के साथ में, बड़े बड़े फिगर के साथ में बहुत कुछ आपको बताने वाले। तो कुर्सी की पेटी आप बांध करके रखिए, कल से किस तरीके से माहौल जो है वो बिगड़ता है या क्या होता है, माहौल बिगड़ना मैं कोई वो नहीं कह रहा हूं कि माहौल खराब होगा, जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के राजनीति गरमाई जाएगी और इस मुद्दे को लेकर के आम लोगों के जो मुद्दे हैं उनको दफनाया जाएगा, उनको खत्म किया जाएगा और नए मुद्दे जो कब्र से निकाल करके खड़े कर दिए जाएंगे आपके सामने, बस यही कुल मिलाकर के राजनीति है। बाकी लग नहीं रहा है कि सरकार इसको कहीं से भी पास करवाने की हालत में है, क्योंकि पास करवाने का मतलब ये होगा कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दोनों एक्सपोज हो जाएंगे। तो बहरहाल आप लोग बताइए कि आप इसको कैसे देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, वक्फ बोर्ड को लेकर के आपकी राय क्या है वो भी नीचे लिख करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।